नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। दोस्तों, अमर राजा बैटरीज, इसने जो अपना एक इम्पोर्टेंट दोस्तों जो इसका सपोर्ट था, जो बाद में जब गिरावट हुई तो रेजिस्टेंस बन गया, उसको तोड़ के दोस्तों एक आज बहुत अच्छी क्लोजिंग दी है। और ये बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव साइन दोस्तों अमर राजा बैटरी के ऊपर। कौन सा है वो जो सपोर्ट है उसकी बात कर रहा हूं मैं, उस पर चर्चा करेंगे। अमर राजा बैटरी का अब आने वाले समय में कैसी चाल हो सकती है दोस्तों, इस पर बात करेंगे। और ये वीडियो दोस्तों मैं इसीलिए लाया अमर राजा बैटरी में, क्योंकि जो ये सपोर्ट जो इसका तोड़ के ऊपर आज क्लोजिंग दिया दोस्तों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक जो हल्का सा नेगेटिव साइन है वो क्या है, ये भी बात करेंगे। और अमर राजा बैटरी पे और आने वाले समय में, क्योंकि मार्केट अब ऑल टाइम हाई में है दोस्तों, और अमर राजा बैटरी का अगर मार्केट में गिरावट होती है तो और कितना नीचे जा सकता है, और क्या रिस्क है आने वाले समय अमर राजा बैटरी के ऊपर, इस पर चर्चा करेंगे। और Q2 के रिजल्ट को लेकर के क्या संकेत आ रहा है, इस बात पे भी आराम से चर्चा करेंगे दोस्तों। दोस्तों, अगर आप इस लेवल में अभी तक इन्वेस्ट नहीं किए हैं इस शेयर पे, तो क्या आपको इसमें एंट्री लेनी चाहिए, इस पे बात करेंगे। और अगर ऑलरेडी एंटर्ड है दोस्तों इस पे, तो कहां एवरेज करना चाहिए या एवरेज करना भी नहीं चाहिए, करना चाहिए या नहीं, इस पे भी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों, क्योंकि अगर आप लाइक करेंगे तो दूसरों को रिकमेंड होगा दोस्तों। प्लस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दें अगर आप पहली बार आए हैं, बेल आइकन दबा दें, कि आप ऐसा करेंगे तो हमको इस चैनल को आगे बढ़ाने बहुत सपोर्ट मिलता है, और इसके लिए हम आपको अभी से धन्यवाद करते हैं दोस्तों। तो अब लाइक कर दें, और अब चलते हैं दोस्तों सीधा अमर राजा बैटरी के शेयर प्राइस की तरफ। दोस्तों, आज ना ये जो 0.85 की तेजी है ना दोस्तों, ये भले ही बहुत नंबर्स भी कम दिख रही हो, बट इसका इंपॉर्टेंस बहुत है दोस्तों। क्यों? क्योंकि दोस्तों देखिए, जो अमर राजा बैटरी ना, उसका जो 690 का लेवल है, ये बहुत ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है दोस्तों। और जब ये टूटा था, आपको बता दूं, मैंने कहा था कि 650 से लेकर के 660 रुपए और 665 रुपए के आसपास भी ये तुरंत जा सकता है। और दोस्तों, जहां तक मुझे याद आ रहा है, ये 662-661 ऐसे आसपास होकर के वापस ये आपको दिखाना शुरू किया है, ठीक है। तो दोस्तों, मैं जैसे हमेशा कहता हूँ कि जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो हमें ये याद रख दिखाते हैं कि कैसे हमें ऐसे इंपॉर्टेंट लेवल्स पे, सपोर्ट पे हमें एक्यूमुलेट करना चाहिए, ताकि जो वहां से वो बाउंस बैक करे तो हमें वैसा ही अच्छा रिटर्न मिले दोस्तों, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि 690 रुपए दोस्तों, इसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। आपको याद होगा कि 690 रुपए ये बहुत समय तक दोस्तों 692-693 से बहुत ज्यादा बाउंस बैक करता था, और जैसे ये टूटा था तो 650-660 रुपए तक जाने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। और आज जैसे 690 का दोस्तों सपोर्ट लेकर के जो कल इसने 690 से ऊपर क्लोजिंग दी थी, और उसको आज भी बचाने में तैयार रहा। और दोस्तों, मैं बता दूं, एक समय तो इसने लगभग आप देखिए 600-700 रुपए को भी तोड़ करके ऊपर ऊपर चला गया था दोस्तों, लेकिन इसने लगभग 700 के आसपास की जो क्लोजिंग दी है, ये बहुत स्ट्रांग है दोस्तों। और अगर अगर 700 रुपए तोड़ते हुए 710 पार कर जाता है दोस्तों, आप मान के चलिए 730 तक की एक जबरदस्त लहरी तुरंत आ जाएगी दोस्तों, ये आप लिख लीजिए दोस्तों। क्योंकि मैंने कहा ना, इसके लिए कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जो इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन 730 रुपए में एक जबरदस्त दोस्तों इसके लिए हर्डल है, वहां से ये वापस एक प्रॉफिट बुकिंग का शिकार हो सकता है। क्योंकि देखिए, अभी भी ना इसमें कुछ बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं आई है दोस्तों, ठीक है, जो हकीकत है आप उसको समझिए दोस्तों, और जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की थ्योरी है उसे मानिए बात को, ठीक है। क्योंकि तो और दोस्तों, मैं बता दूं, मैं कभी भी पोजिशनल ट्रेडिंग या इस सब की बात नहीं करता हूं, क्योंकि मैं वो करता नहीं हूं दोस्तों, और जिस चीज की मैं खुद काम नहीं करता उसकी मैं सलाह भी नहीं देता। हाँ, मैं ये जरूर करता हूं कि लेवल सपोर्ट को ध्यान रखता हूं, उनमें एक्यूमुलेट करता हूं, और उस पैसे को दबा के रखता हूं दोस्तों जब तक वो मुझे प्रॉफिट नहीं देता। लेकिन हाँ, मैं खरीदारी से पहले इतना रिसर्च करके रखता हूं कि कोई भी गिरावट केवल एक खरीदारी का मौका लगती है मुझे दोस्तों, ठीक है। और अब आपको मैं दिखाता हूं एक और चीज दोस्तों, अगर मैं एनएससी की वेबसाइट में जाएं दोस्तों, हम एनएससी की वेबसाइट में जाएं तो आपको एक चीज दिखेगा। आप देखिए कि एनएससी की वेबसाइट देखिए, लगभग 9 लाख से ऊपर के शेयर की ट्रेडिंग हुई है, और 40% दोस्तों यहां डिलीवरी उठाई गई है, जो कि ना एक स्ट्रॉन्ग साइन है दोस्तों, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग सिग्नल है इस बात का कि अब ये शायद ऊपर जा सकता है दोस्तों, ठीक है। दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा, स्टॉक मार्केट एक प्रोबेबिलिटी का गेम है, कोई भी चीज सर्टेन नहीं है इसमें। आज शायद जो ये 690 का जो सपोर्ट है, उसे सपोर्ट को ये रिस्पेक्ट कर रहा है दोस्तों, लेकिन कल आज या कल ऐसी कोई न्यूज आ जाए जो बहुत ज्यादा गिरावट ले मार्केट इस शेयर में, बट होने के चांसेस मुझे बहुत कम दिख रहे हैं दोस्तों, ठीक है। और इसके बाद मैं बता दूं आपको, आप देखिए अब इसमें एक्यूमुलेशन में जो क्यों लग रहा है, चल रहा है, आप अगर हिस्टोरिकल डेटा में जाएं दोस्तों, ठीक है, और एक मंथ का डेटा देखें आप,
तो आप पाएंगे कि आप देखिए लास्ट ट्रेडिंग सेशन में लगभग 1 करोड़ का 200 शेयर ट्रेडिंग हुई, उससे पहले 9 लाख, फिर 11 लाख, 12 लाख, मतलब दोस्तों देखिए आप ये लगातार केवल केवल दोस्तों गिरा हुआ है, ठीक है। और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में बहुत तेजी जो आई थी उसके कारण ये वॉल्यूम स्पाइक है दोस्तों, और आज भी उसे बचाने में कामयाब रहा है। यानी अब दोस्तों केवल एक्यूमुलेशन चल रहा है शेयर में, ठीक है। और जब किसी शेयर में एक्यूमुलेशन चलता है दोस्तों, तो उसके 2 या 4 ट्रेडिंग सेशन में आप देखेंगे वॉल्यूम इंक्रीज दिखेगा और एक ब्रेकआउट होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं दोस्तों, ठीक है। और ये शेयर दोस्तों बहुत टाइम से बहुत ज्यादा पिट चुका है। आप देखिए अमर राजा बैटरी, आप मतलब जनवरी से अभी तक बात करेंगे तो आप देखिए लगभग 24% से ज्यादा ये अपने शेयर होल्डर का पैसा बर्बाद कर चुका है दोस्तों, ठीक है। और साल भर की बात करें तो आप देखिए कि ये लगभग 4% नेगेटिव रिटर्न दे चुका है दोस्तों, ठीक है। लेकिन दोस्तों देखिए एक स्ट्रॉन्ग जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर जो है ना, अगर इतना गिर जाए तो उसके बाद ज्यादा उस पर गिरने कुछ बचता नहीं दोस्तों। और यहां से भी अगर ये बहुत ज्यादा गिरेगा दोस्तों तो 650, और अगर बहुत कुछ ज्यादा गिरे तो 600 रुपए, यानी यहां से 100 रुपए की और गिरावट, उससे ज्यादा दोस्तों कुछ नहीं है। और अपर साइड पे दोस्तों सबसे पहले 52 वीक हाई होता है, और इसका 52 वीक हाई मैं आपको बता दूं लगभग है 1025, ठीक है दोस्तों। यानी जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता है वो एज ए इन्वेस्टर आपके फेवर में। और दोस्तों जो लोग 2 से 3 साल का सोच रहे हैं, 2 से 3 साल का या 1 से 2 साल का भी, उनके लिए ये लेवल दोस्तों बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, इतनी अच्छी कंपनी दोस्तों आप अगर 5 साल पहले देखिए तो ये लगभग 5 साल पहले के ही आपको प्राइस में मिल रहा है दोस्तों, ये देखिए, ठीक है। 5 साल पहले जितना था ये लगभग उसी प्राइस में मिल रहा है। और दोस्तों ऐसे समय में ऐसी कंपनी को एक्यूमुलेट करना आने वाले फ्यूचर में स्टॉक मल्टीबैगर होता है दोस्तों, ऐसे ही स्टॉक, ठीक है। और जो उसकी प्रॉब्लम्स है दोस्तों, पहला क्या है ये देखिए कॉस्ट इन्फ्लेशन, मैंने पहले ही वीडियो में बता चुका है ये क्या है, अब ज्यादा इस पर बात करने की जरूरत नहीं दोस्तों, ठीक है, कमोडिटी प्राइसेस की उछालना। और मोतीलाल ओसवाल ने दोस्तों इसको 820 रुपए का टारगेट दिया है दोस्तों, ठीक है, और न्यूट्रल रेटिंग रखी है, ठीक। मतलब दोस्तों देखिए अभी इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि थोड़ा सा अंडर प्रेशर चल रहा है दोस्तों, ये पूरा का पूरा सेक्टर, आप भले इसे देख लें या एक्साइड को देख लें, दोनों के दोनों थोड़े प्रेशर में चल रहे हैं दोस्तों। लेकिन जो यही दोस्तों अच्छी कंपनियां बुरे क्वार्टरली रिजल्ट में या जब सेक्टर में थोड़ा सा प्रेशर चल रहा हो उस वक्त तक एक्युमुलेट करेंगे तो आपको एक बहुत ज्यादा रिटर्न देंगे। और इसके साक्षी कौन है दोस्तों, टाटा मोटर देख लें आप अमर राजा बैटरी, आप टाटा मोटर देख लें, आप हैवेल्स इंडिया देख लें, आप टाटा स्टील देख लें दोस्तों, ठीक है। जब वो रिटर्न दोस्तों अब मल्टीबैगर रिटर्न दे दिए तब उसको बोल रहे कि अब खरीदना नहीं दोस्तों, एक कंपनी के फंडामेंटल में यकीन रखें दोस्तों, पढ़ें और ये भी चेक करें कि क्या ये आपका रिस्क रेशियो को फेवर करते हैं दोस्तों, कि हर स्टॉक हर इन्वेस्टर के लिए नहीं रहता है दोस्तों, ठीक है। इसीलिए आप किस प्रकार के इन्वेस्टर हैं आप इसको समझिए, उसके बाद इन्वेस्ट कीजिए। और दोस्तों अमर राजा बैटरी इन लेवल्स में तो बिल्कुल एक बाइंग बनती है, बट दोस्तों ये कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है बिल्कुल भी, ये मेरी पर्सनल चॉइस है, मेरी पर्सनल राय शेयर को लेकर के। और डिस्क्लोजर के रूप में बता दूं इसे मेरी खुद की इन्वेस्टमेंट हो सकती है दोस्तों, ठीक है। तो आपको कोई पोजीशन बनाने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लेनी दोस्तों। यहां तक वीडियो देख लिए धन्यवाद दोस्तों, प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल पहली बार है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।